जी Y9 Prime चाहिए, क्या स्पेक है, क्या हार्डवेयर है, बिल्ड क्या है, डिस्प्ले, गेमिंग फ़ोन है, मिड रेंज किलर है, तो क्या है, तो देखिए इस वीडियो में। सो गाइस, आजकल मार्केट में काफ़ी Huawei 9 Prime की मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है और मार्केट में काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। क्या है इस फ़ोन में ऐसा ख़ास जो मार्केट में उसके इतने चर्चे हैं, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें। तो वीडियो की जानिब चलते हैं। तो अगर बात करें Huawei के फ़ोन की, तो इसके अंदर जो कलर देखने को मिलते हैं वो मिडनाइट ब्लैक, सफायर ब्लू, एमरल्ड ग्रीन, और ये काफ़ी ऑसम कलर है। और जो अगर इसकी हम बिल्ड की बात करें तो ये प्लास्टिक बॉडी है, हैंड फील काफ़ी इसका ऑसम है। कंपेयर करें अगर इसको नोट 9 से या तो इसकी जो साइज़ है काफ़ी ऑसम है Huawei 9 Prime का, अगर कंपेयर करें नोट 9 से तो मोस्टली सेम साइज़ ही देखेंगे। बट अगर इसकी बैक की बात करें तो बैक इज़ टू शाइनी, उसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी फिंगरप्रिंट्स जो है हमारे दिखाई देते हैं। बट ग्रीन कलर इज रियली ऑसम ऑफ Huawei 9 Prime 2019। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी ऑसम है, ये बड़ी स्क्रीन वाले लोगों के लिए जिनको गेमिंग का शौक है या जो गेमिंग करते हैं सेलफोन के ऊपर, उनके लिए काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। तो अगर गेमिंग का बात करें तो गेमिंग इसके ऊपर काफ़ी अच्छी होती है, मोस्टली इसके ऊपर लोग पबजी खेलना पसंद करते हैं। तो मीडियम के ऊपर ऑटोमेटिक सेटिंग्स थी, बट अगर मैं इसको हाई की बात करूँ तो हाई के ऊपर मैंने इसको यूज़ किया तो काफ़ी अच्छा स्मूथ फील था, बट इसमें के ऊपर कोई लैग माइनस था। और अगर बात करें इसके चिपसेट के बारे में, तो इसके हाई सिलिकॉन क्रेन 710 है जो कि साल पुराना हो चुका है फिलहाल अभी, बट नॉट अंडर एस्टिमेटेड। और अगर इसकी जीपीयू की बात करें तो माली G51 का जीपीयू है इसके अंदर, और ये जीपीयू बट अगर फोन बात करें इस रेंज में तो रियलमी 3 प्रो इसको डिफीट करता है और बीट कर रहा है इसको इस प्राइस रेंज में, जो कि 4GB रेंज में भी है 6GB रेंज में, बट इट्स टू ऑसम। या अगर इसकी बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं क्या इसके बेंचमार्क स्कोर्स हैं, और गेमिंग में काफ़ी अच्छे ये रिजल्ट दे रहा है। और अगर इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो काफ़ी ऑसम है, नॉट आ स्पीडी, नॉट आ स्लो, बट गुड। और अगर हम बात करें इसकी बैटरी की लाइफ के बारे में, तो बैटरी इसकी है 4000 mAh की, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है। बट अगर बात करें इसके डाउन साइड की, तो वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती। तो अगर आ जाए नेक्स्ट थिंग, अगर इसके कैमरे की बात करें तो वो है फ्रंट कैम जो सा है 16 MP के साथ f2.0 अपर्चर के साथ। और अगर जो कि पॉपअप है, अगर बात करें बैक की, तो ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है 16 MP f1.8 वाइड एंगल लेंस के साथ। अगर इसके सेकंड कैमरे की बात करें तो 8 MP अल्ट्रा वाइड लुक के साथ। और अगर हम उसके थर्ड कैमरे की बात करें तो 2 MP डेप्थ सेंसर के साथ। और इमेज क्वालिटी जो कि देख सकते हैं आपके, मैंने सैंपल अटैच कर दिए हैं साथ में, वेरी गुड फ़ोन इन गुड प्राइस रेंज। और अगर बात करें इसकी फील, तो काफ़ी ऑसम है। क्या ये फ़ोन मिड रेंज किलर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके प्राइस रेंज में हमें रियलमी 3 प्रो मिल रहा है और उसकी काफ़ी अच्छी ऑसम स्पीड्स है और उसकी काफ़ी अच्छी स्पेक्स हैं, और वो इससे अच्छी स्पेक्सिफिकेशन दे रहा है और काफ़ी ऑसम फ़ोन है। तो ये था हमारा Huawei 9 Prime का छोटा सा रिव्यू। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो आवर पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो।